समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव की चुनाव की तैयारी को देखने और आगे की रणनीति तय करने के लिए मंगलवार को कन्नौज पहुंचे। चुनावी तैयारियां परखने आए अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस को निशाने पर रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि हनुमान जी की जाति बताने वालों से भगवान नाराज हैं। इस चुनाव में हनुमान जी उन्हें उनकी जाति बताएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 6 अप्रैल को डिंपल यादव नामांकन करेंगी। अखिलेश ने दावा करते हुए कहा कि कन्नौज की जनता एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दिलाएगी, सपा प्रत्याशी को दिल्ली भेजेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं और वोटरों को बीजेपी की साजिश से सावधान रहने की भी हिदायत दी। गठबंधन पर बोलते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि सपा बसपा और आरएलडी को इतनी सीटें मिलेंगी कि बीजेपी का घमंड चूर चूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी जी को सेना के बारे में कम बोलना चाहिए। जिस तरीके से भगवान की जात बताई थी हनुमान जी की, हनुमान जी बहुत नाराज हैं। इसी चुनाव में इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हिसाब किताब करने जा रहे हैं भगवान हनुमान जी। 6 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद डिंपल यादव यहां से नामांकन करेंगी और मुझे उम्मीद है कन्नौज की जनता पर कि जिस तरीके से समाजवादी लोगों ने काम किया है और लगातार विकास से कन्नौज को आगे बढ़ाया है, एक बार फिर कन्नौज की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके मौका देगी जिससे कि जनता की सेवा और विकास क्षेत्र का हो सके।